उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में विधानसभा चुनाव चौथे चरण में 23 फरवरी को होगा। आपको बताते चले, बिलसंडा ब्लॉक में जिलाधिकारी पुलकित खरे में युवा जोश का नाम दिया और कार्यक्रम के माध्यम से जनता को अधिक संख्या में मतदान करने को जागरूक किया। पीलीभीत से ईश्वरी प्रसाद की खास रिपोर्ट। लेकर किस मामले को लेकर किन किन लोगों को मीटिंग लेंगे, क्या निर्देश दिए गए? आज ब्लॉक बिलसंडा में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करा गया है। इस कार्यक्रम को हमने युवा जोश का नाम दिया है और इसमें हर गांव से हमने एक नए युवक लड़के को और एक नई युवक लड़की को जागरूक मतदाता के रूप में अपना यूथ एम्बेसडर बनाया है। आज उनकी मैंने यहाँ पे बैठक ली और उनको ये बताया कि किस तरह से उनको अपने गांव में जाके सभी लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करना है, जिससे 23 फरवरी को जब हमारे पूरे जनपद में वोटिंग का दिन है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षकों की भी बैठक ली गई और पंचायत सहायकों की बैठक ली गई, उनसे भी यही अपील करी गई कि अपने गाँव में जागरूकता लाएँ जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो सके। मीटिंग का मेन उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना और अधिक मतदान करना। जितना हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनको उनकी ताकत से अवगत कराएंगे, है वोटिंग की इतनी बड़ी ताकत जो हमें हमारे संविधान ने दी है, और जितने ज़्यादा लोगों को हम बूथ पर ला पाएंगे हमारा लोकतंत्र हमारा समाज उतना ही मजबूत बनेगा। तो इसी उद्देश्य से आज यहाँ ब्लॉक में मीटिंग करी गई और ये कार्यक्रम युवा जोश का प्रारंभ करा गया।